दोस्तों बहुत टाइम पहले एक ऐसा ट्रेंड चला था जिसमें लोग एक दूसरे से पूछते थे ये सवाल कि यार पहले अंडा आया था या फिर पहले चिकन। और मैं चीज श्योर हूँ कि आपसे किसी ने कभी ये चीज जरूर पूछी होगी, तो आपका आंसर क्या था। और दोस्तों मुझे ये चीज पता है कि आपने इन दोनों में से जो भी आंसर दिया हो आपका माइंड सेटिस्फाइड नहीं हुआ होगा कि यार ऐसा हो कैसे सकता है। अगर पहले चिकन आया है तो यार तो अंडा कैसे बना, क्योंकि अंडे में तो चिकन निकलता है, और अगर पहले अंडा आया है तो यार चिकन ही तो अंडा देता है। दोस्तों ये भी छोड़ो, अभी इंटरनेट पे ना एक ऐसा क्वेश्चन जारी किया गया था जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और वो क्वेश्चन ये था कि अर्थ पे अगर हर कोई इंसान जो भी है इस पूरे दुनिया में अगर वो एक सेकंड पे या फिर एक मिली सेकंड पे जंप करता है एक साथ, तो इस अर्थ का क्या होगा। दोस्तों अगर आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आज की वीडियो के लिए बने रहिए। आज की वीडियो में हम इन दोनों का आंसर पता करने वाले हैं, वो भी साइंटिफिक वे में। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। चलो दोस्तों हम पहले ये वाला क्वेश्चन क्लियर करते हैं कि अगर पूरे अर्थ पे सब लोग जितने भी लोग हैं एक सेकंड पे या फिर एक साथ जंप करते हैं तो इस अर्थ का क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर है कि कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों हमारी अर्थ पे जो ह्यूमन का काउंट है वो 7 बिलियन से भी ज्यादा है, और दोस्तों अगर हम इनको टोटल करें ह्यूमन वेट का अप्रोक्सीमेटली, तो इस पूरे वर्ल्ड में 7.80 बिलियन केजी होगा सब ह्यूमंस का मिला के। और अगर हम देखें इस अर्थ का मास, दोस्तों इस अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, 7.80 बिलियन केजी, जिसके सामने कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगर हम न्यूटन के अकॉर्डिंगली बताएं तो उन्होंने ये कहा है कि देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू एवरी एक्शन। दोस्तों हम ये टेक्निकली बोल सकते हैं कि अगर बहुत सारे लोग एक सेकंड में जंप करते हैं तो उस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ एक टाइनी इंपैक्ट जरूर पड़ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन कि कौन पहले आया था, अंडा या फिर चिकन। दोस्तों इसका आंसर ये है कि सबसे पहले आया था अंडा। अब दोस्तों अभी चीज शॉक हो गए होंगे कि यार अंडा कैसे आया, क्योंकि अगर चिकन ही नहीं था पहले तो अंडा आया कैसे होगा। रुक जाओ यार बताता हूं मैं, इसकी एक्सप्लेन करता हूं अच्छी तरीके से। दोस्तों जितने भी एग लेइंग एनिमल्स थे ना वो बहुत ही पहले एग्जिस्ट करते थे, उससे पहले भी कि जब तक चिकन आया था, तो हम टेक्निकली ये बोल सकते हैं कि जो एग है वो चिकन से भी पहले आ चुका है। अब दोस्तों ये चीज आपके सामने कुछ सेंस नहीं बना रही होगी, तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही सालों पहले ले चलता हूँ जब चिकन थे ही नहीं। बहुत टाइम पहले एक रिचर था जो कि चिकन तो नहीं था, आधा चिकन था, तो हम उसको एक नाम देते हैं प्रोटो चिकन। दोस्तों एक प्रोटो चिकन ने एक दूसरे प्रोटो चिकन के साथ मेट किया, और दोस्तों उन दोनों ऑर्गेनिजम्स ने अपने जीन्स एक फॉर्म ऑफ डीएनए मिलाए। और दोस्तों हम सबको पता है कि जितने भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता, और दोस्तों उसी वजह से एक टाइनी चेंज आ गया जिसकी वजह से एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया, और इसी वजह से डीएनए के छोटे छोटे चेंजेस की वजह से एक नई स्पीशीज चालू हो गई जो कि थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन तक चलती है, और उसको हम चिकन बोलते हैं। और फिर अब चिकन ने एक एग देने स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि एग और चिकन के मुकाबले पहले एग आया था। दोस्तों हमारी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई ना जो कि यार आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। दोस्तों बाय।